नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। किन किन राजनीतिक दलों से इस बार छिन जाएगा राष्ट्रीय दल का दर्जा? 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन करने वाले कुछ राजनीतिक दलों का अब राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त होने वाला है। इन दलों में सबसे पहला नाम मायावती की बहुजन समाज पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। लाल झंडा लहराने वाली सीपीआई को इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें ही मिल सकी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी को वैसे तो इस चुनाव में ठीक ठाक सफलता मिल गई है, लेकिन जिन तथ्यों और तर्कों के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है वो अब बहुजन समाज पार्टी ने गंवा दिया है। वैसे तो बसपा, सीपीआई और एनसीपी के राष्ट्रीय दल का दर्जा 2014 के ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो सकता था, लेकिन उसी दौरान भारत के चुनाव आयोग ने कुछ इस तरह के नियम बना दिए कि इन तीनों दलों को फौरी राहत मिल गई। पहले ऐसा नियम हुआ करता था कि प्रत्येक 5 साल पर चुनाव आयोग दलों को मिलने वाले वोट और सीटों के हिसाब से उनकी मान्यता तय करता था कि कौन सा राजनीतिक दल क्षेत्रीय रहेगा और किस दल को अब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। 2016 में अपने इस नियम में बदलाव करते हुए चुनाव आयोग ने तय किया कि अब 5 साल की बजाय 10 साल पर राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा की जाएगी। बताते चलें कि 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 10, सीपीआई को 3 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। सीपीआई के सचिव सुधाकर रेड्डी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो माननीय आधार पर तय करें कि उनकी पार्टी का अस्तित्व राष्ट्रीय स्तर पर है या नहीं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विलय की खबरें भी मीडिया में आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का विलय उसके मूल दल कांग्रेस में होने जा रहा है। धन्यवाद।